गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। सो वेब डेवलपमेंट सीरीज में हम लोग कवर कर चुके हैं ये सभी टॉपिक्स, जिसमें कि HTML कंप्लीट हो चुका है एंड CSS के कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको इनका लिंक मिलेगा नीचे पिन कॉमेंट में। इसके अलावा हम लोगों के ब्लॉग चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ उसे सब्सक्राइब करो। इसका नाम है द दीपाली अग्रवाल, जहां पर आपको मिलेगा पढ़ाई के अलावा बाकी का कंटेंट, जैसे कि व्लॉग्स, फूड रिव्यूज़, गैजेट रिव्यूज़, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगी। तो जाइए इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो क्लास के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर प्रोजेक्ट में, जो हेलो प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, HTML फाइल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर जस्ट मैंने क्या किया है, दो एंकर टैग्स यहाँ पर लिए हैं, जिसमें कि हमने Amazon और Pinterest के लिंक्स दिए हैं। ओके, तो अभी देखिए हमारे पास इन दोनों हाइपर लिंक्स के कलर, जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है, वो यहाँ पर आ रहा है। अभी हम ये चाहते हैं कि जब ये लिंक्स विजिटेड हो जाएं, एक बार भी अगर विजिटेड हो जाते हैं तो इनका कलर येलो हो जाए। तो कैसे हम लोग इसको लिखते थे, A:visited दिस वन। तो ये जो मैंने यहाँ पर विजिटेड लिखा है, यानी कि किसी सेलेक्टर के बाद कोलन लगा के आप जो भी नेम लिखते हो, वो होता है हमारे पास स्यूडो क्लास। ये यूज़र डिफाइंड नहीं है, ये आपके पास इनबिल्ट क्लासेस हैं। यहाँ पर मैंने लगाया कि जब ये विजिटेड हो जाए तो जो हाइपरलिंक है उसका कलर हो जाए हमारे पास सियान। कंट्रोल एस किया तो ये देखिए, इन दोनों पर मैं ऑलरेडी क्योंकि क्लिक कर चुकी थी तो इसलिए, यानी कि ये विजिटेड लिंक हैं तो इसीलिए इनके जो कलर्स हैं वो क्या हो गए हैं, सियान हो गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारी होती हैं स्यूडो क्लासेस। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पर ये सब क्या आ रही है, स्यूडो क्लासेस आ रही हैं। तो बट ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी हमारे काम की हों। तो हमने यहाँ पर एक लगाया एक्टिव, अगर हम लोग लगाते हैं तो इसमें मैं चाहती हूँ कि जो कलर है वो क्या हो जाए, कलर हो जाए हमारे पास क्रिम्सन, सॉरी A:active। ठीक है, तो एक्टिव भी यहाँ पर एक स्यूडो क्लास है। कंट्रोल एस हमने किया तो देखिए जिस टाइम पर मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो इसका कलर क्या हो गया है, क्रिम्सन हो गया है। इस तरीके से जब मैं Pinterest पर क्लिक किया मैंने तो इसका भी कलर क्रिम्सन हो गया। तो ये होती है एक्टिव स्टेट ऑफ अ लिंक। तो विजिटेड, एक्टिव, लिंक एंड होवर, ये हमारे पास फोर स्टेट्स होती हैं किसी भी लिंक के लिए। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो एक बार आप वहाँ से देख सकते हैं अगर इन डिटेल आपको देखना है तो। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर कोई HTML क्लास का भी यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, डॉट डिज़ाइन करके एक हमने क्लास बनाई है और इसमें मैंने जो है एक प्रॉपर्टी दी बैकग्राउंड कलर और एक्वामैरिन। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि A:design:hover। ठीक है, तो इस केस में जो कलर है वो हमारे पास हो जाना चाहिए ग्रीन येलो। कंट्रोल एस किया और इसके अलावा यहाँ पर जो पहला वाला लिंक है वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इस वाली क्लास को। तो मैंने लिखा यहाँ पर क्लास इज इक्वल्स टू, कौन सी क्लास हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन क्लास। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो पहले वाला लिंक है जहाँ पर मैं क्लास डिज़ाइन को अप्लाई किया है, वहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उस लिंक का एक्वामैरिन हो जाना चाहिए। यस, देखो ये जो पहला लिंक है उसका बैकग्राउंड कलर एक्वामैरिन हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने क्या की है कि जिस एंकर टैग पर हमने डिज़ाइन क्लास का यूज़ किया है उसमें अगर हम होवर करते हैं, यानी कि इस जो हमारा कर्सर उसको उसके ऊपर लेके जाते हैं, तो उस टाइम पर कलर हो जाना चाहिए फॉन्ट कलर ग्रीन येलो। देखते हैं ये चीज़ हो रही है या नहीं। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ वरना हमें होगा कन्फ्यूजन। कंट्रोल एस किया मैंने तो देखिए अब जब मैं अमेज़ॉन पर कर्सर यानी कि होवर किया तो उस केस में इसका बैक जो फॉन्ट कलर है वो क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो इस तरीके से आप जब स्यूडो क्लासेस का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर HTML क्लासेस को भी इनके साथ इनबिल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम लुक करते हैं, यहाँ पर मैं जल्दी से एक इमेज यहाँ पर लगाती हूँ। कंट्रोल एस किया, पहले देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। ये कुछ इमेज हमारे पास आ गई है। ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ कि जब इस इमेज पर होवर मैं लगाऊँ, यानी कि जब इसके ऊपर कर्सर हम लेके जाएँ, तो कुछ यहाँ पर टेक्स्ट आना चाहिए। ठीक है, बाहर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आना चाहिए। देखते हैं कैसे हम वो कर सकते हैं यूजिंग द स्यूडो क्लास। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक हेडिंग हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं। हेडिंग में हमने लिखा हेलो पिक्चर,
सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि H1 अभी हमारे पास शो नहीं हो। देखो कंट्रोल एस किया तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये टेक्स्ट शो हो रहा है, तो अभी तो हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट शो नहीं हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले हम लोग क्या कर देते थे, नन कर सकते हैं। डिस्प्ले नन अगर मैंने किया, कंट्रोल एस किया, तो देखो ये जो हेलो लिखा था वो यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ जब इस इमेज पर मैं कर्सर को लेके जाऊँ तब उस केस में H1 शो हो। तो क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे यहाँ पर ये। तो हम अभी क्या चाहते हैं, जब इमेज पर हम होवर करें तो डिस्प्ले ब्लॉक की फॉर्म में हमारे पास H1 आ जाए। बट अभी अगर आप देखो तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, है ना। तो हमें इनको कनेक्टेड करना होगा, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर में डाल देते हैं। हम डिव कंटेनर में हमने इनको रखा, दोनों को हम लोग ने क्या किया, डिव कंटेनर के अंदर डाला है। सो अभी हमें और चीज़ें भी कुछ करनी होंगी। देखो कंट्रोल एस किया तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा है अगेन। तो हमें क्या करना होगा, अभी क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो होवर है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डिव पर, क्योंकि डिव ये दोनों ही डिव का पार्ट है, ठीक है, इस कंटेनर का पार्ट है। तो ये जो होवर लगेगा वो इस कंटेनर पर लगेगा। एंड दूसरी चीज़ हम लोग क्या चाहते हैं, जब इस कंटेनर पर ये होवर हो तो उस केस में हमारे पास क्या शो होना चाहिए, H1 शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे H1। ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड क्लास कहलाता है। ये अभी मैं आपको अभी आगे बताऊँगी ये चीज़ भी कैसे हुआ है ये। तो अभी बस आप इतना ध्यान रखो यहाँ पर कि अभी जब कंट्रोल एस मैं यहाँ पर करती हूँ तो देखो क्या होगा, जब इस वाली इमेज पर क्या हो रहा है, होवर कर रही हूँ यानी कि कर्सर को लेके जा रही हूँ, तो ये हेलो पिक्चर, ये जो H1 था वो यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप जो भी चीज़ें शो करना चाहते हो या फिर जो चीज़ें विजिबल हैं उनको आपको एक कंटेनर में, सिंगल कंटेनर में रखना होगा, एंड देन फिर हम इन स्यूडो क्लासेस का यूज़ कर पाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें फर्स्ट चाइल्ड स्यूडो क्लासेस कुछ होती हैं, एक चीज़ होती है इसमें, वो क्या होती है वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं सबसे पहले तो, और इसको हम लोग अभी बना देते हैं कमेंट, ठीक है। इस पैराग्राफ में लॉरेन के थ्रू मैं कुछ कंटेंट ले लेती हूँ लाइक दिस। इसको हम पहले तो कुछ डिव में लिख लेते हैं, एक कंटेनर में हम कुछ पैराग्राफ्स का यूज़ कर लेते हैं। डिव हमने यहाँ पर यूज़ किया, कंट्रोल एक्स वी लॉरेन 40, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक कंटेनर में हमारे पास यहाँ पर दो पैराग्राफ्स है, कंट्रोल एस किया तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। अब हमने यहाँ पर लगाया है पैराग्राफ यानी पी सेलेक्टर कोलन फर्स्ट चाइल्ड सीडो क्लास, तो कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। तो ये क्या कहता है कि अगर किसी भी कंटेनर में आपके पास कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और उसका फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ है अगर, तो उसका कलर हो जाए ब्लू। तो देखिए इस कंटेनर में, इस कंटेनर का फर्स्ट चाइल्ड कौन है, हेडिंग है, ठीक है, पैराग्राफ नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। कंट्रोल एस मैंने किया तो देखो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ किसी का भी कलर ब्लू नहीं हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, इस पैराग्राफ को, इस कंटेनर का फर्स्ट चाइल्ड बना देती हूँ। कंट्रोल एस किया तो ये देखिए इस पैराग्राफ का कलर क्या हो गया है, ब्लू हो गया है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसे हेडिंग पर लगाते हैं, मान लीजिए आप हेडिंग पर लगाना चाहते हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी भी कंटेनर का H1 फर्स्ट चाइल्ड है तो क्या हो जाए, उसका कलर हो जाए हमारे पास, उसका कलर हमारे पास आ जाए दिस वन। तो कंट्रोल एस किया तो अभी देखो हमारे पास केवल एक ही कंटेनर है, ठीक। अब इस कंटेनर में जो फर्स्ट चाइल्ड है वो हेडिंग नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर H1 लगा देती हूँ। H1 पे हमने लगाया था ना, यस, तो यहाँ पर मैं H1 लगा देती हूँ। अगर अब कंट्रोल एस किया तो ये देखिए इसका कलर क्या हो गया हमारे पास, जो भी हमने ग्रीन या जो भी था ये मेंशन डार्क टॉर्क्यू, तो वो हमारे पास आ गया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा कि फर्स्ट चाइल्ड स्यूडो क्लास का क्या यूज़ है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक और कंटेनर होता तो उस केस में कैसे करते हैं हम लोग, कंट्रोल सी करके मैं एज इट इज़ इसको कॉपी कर देती हूँ। कंट्रोल एस किया तो ये देखिए दो कंटेनर्स हैं हमारे पास, एक तो ये वाला कंटेनर है और एक हमारे पास ये वाला कंटेनर है। तो दोनों ही कंटेनर्स में अगर फर्स्ट चाइल्ड H1 है तो उसका कलर हमने ग्रीन कर दिया है। तो देखिए ये फर्स्ट कंटेनर तो हमारे पास ये था दिस वन, तो इसमें हेलो का कलर क्या है, ग्रीन है। ऐसे ही सेकंड कंटेनर था ये, तो इसमें भी हेडिंग H1 वॉज द फर्स्ट चाइल्ड, तो इसलिए उसका कलर भी हेलो हो गया है। तो हमने क्या किया है, अभी फर्स्ट पैराग्राफ के इन तीनों वर्ड्स को हमने बोल्ड किया है, ये देखिए बोल्ड हो गए हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि, अच्छा ये बोल्ड वाला टैग मैं और भी जगह लगाती हूँ, मान लीजिए यहाँ पर भी हमने लगाया है इसे, इसमें ही हमने एक जगह और बोल्ड टैग लगाया है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास वर्ड्स जो हैं बोल्ड में आ गए। अब मैं ये चाहती हूँ कि
किसी भी पैराग्राफ में अगर मान लीजिए मल्टीपल टाइम्स बोल्ड टैग का हमने यूज़ किया है, तो उसमें जो केवल फर्स्ट बोल्ड टैग है उसमें कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, तो कैसे करेंगे? देखिए, हम अगेन यहाँ पर स्यूडो क्लास फर्स्ट चाइल्ड का यूज़ करेंगे। किसी भी पैराग्राफ पी में अगर कहीं पर भी बोल्ड टैग का यूज़ किया है, तो हम जो उसकी फर्स्ट चाइल्ड है, जो भी फर्स्ट चाइल्ड होगा, उसका हम लोग क्या चाहते हैं, जो कलर है वो हो जाए डार्क गोल्डन। देखते हैं, कंट्रोल एस किया, तो देखो क्या होना चाहिए हमारे पास इस पैराग्राफ में। एक तो ये वाला बोल्ड हमने किया है पार्ट, और ये वाला पार्ट बोल्ड किया, बट हम चाहते हैं फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि दिस वन शुड बी गोल्डन ब्लू। देखते हैं, तो ये देखो हमारे पास जो फर्स्ट चाइल्ड था वो यहाँ पर, उसका कलर यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक, इसी तरीके से आप जहाँ पर भी, जिस भी पैराग्राफ में इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस किया, तो यहाँ पर भी देखो ये हमारे पास इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर तो हमने कहा कि जितने भी पैराग्राफ्स थे उनमें जो भी फर्स्ट चाइल्ड आएगा बोल्ड टैग के साथ, उसका हमने कलर चेंज किया। अब मैं चाहती हूँ कि किसी भी कंटेनर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें जो सभी बोल्ड टैग्स हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएं, हमारे उनके कलर चेंज हो जाएं। तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैं इसको यहाँ पर ना कॉमेंट बना देती हूँ। कंट्रोल एस किया, तो अभी देख लीजिए हमारे पास कंटेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक, तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी कंटेनर में जब फर्स्ट चाइल्ड आए पैराग्राफ, किसी भी कंटेनर में जितने भी पैराग्राफ्स हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट चाइल्ड है, पैराग्राफ का जो फर्स्ट चाइल्ड है, उसमें जितने भी बोल्ड टैग्स हैं, ठीक, उनका कलर हो जाए क्या, उनका कलर हो जाए क्रिम्सन। देखते हैं क्या होगा हमारे पास। कंट्रोल एस, सोचो क्या होना चाहिए। हमारे पास दो कंटेनर हैं, दिस वन एंड दिस वन। इसमें पैराग्राफ फर्स्ट चाइल्ड अभी नहीं है, तो इसको पहले तो मैं फर्स्ट चाइल्ड बनाऊंगी यहाँ पर। कंट्रोल, इसको हमने टैग बना दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पी जो है फर्स्ट चाइल्ड है, तो इस पी फर्स्ट चाइल्ड में जितने भी हमारे पास बी टैग्स के अंदर कंटेंट है, वो उसका कलर क्या हो जाना चाहिए, क्रिम्सन हो जाना चाहिए। और जबकि जो सेकेंड पैराग्राफ है उसका नहीं होना चाहिए कलर चेंज। सो देखिए क्या होगा, ये देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें जो भी हमने बोल्ड टैग के अंदर लिखा था उस कंटेंट का कलर चेंज हो गया है, जबकि सेकंड पैराग्राफ में जो बोल्ड के अंदर हमने कंटेंट लिखा था वो चेंज नहीं हुआ है। ओके, अभी जैसे फर्स्ट चाइल्ड हमने पढ़ा, ऐसे ही हमारे पास आता है nth चाइल्ड। मे बी कि आप सेकंड वाली वैल्यू पर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, फोर्थ पर, थर्ड पर, कुछ इस तरीके से, यानी कि ऑर्डर इवेंट की बात करें या फिर किसी पर्टिकुलर हम लोग सीक्वेंस की बात करें, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एक स्यूडो क्लास nth चाइल्ड। कैसे करेंगे, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि पैराग्राफ पर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ nth चाइल्ड। अब कौन से चाइल्ड पर, अभी तक हमने फर्स्ट चाइल्ड पर अप्लाई किया था, अब मैं चाहती हूँ कि जो ऑड नंबर के जितने भी nth चाइल्ड हैं, ठीक, ऑड नंबर बोले तो 1, 3, 5, 7 करके, ठीक, तो उनका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देती हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास आ जाए एक्वा। कंट्रोल एस किया, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो इस कंटेनर की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें जो पी है वो सेकेंड नंबर पे है, यानी कि इवन है, ये फोर्थ नंबर पे है, और ये है हमारे पास ये वाला पैराग्राफ फिफ्थ नंबर पे, यानी कि ऑड पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला पैराग्राफ है। तो देखते हैं हमारे पास किसका कलर चेंज हुआ है। कंट्रोल एस किया मैंने, तो देखिए हमारे पास येस, ये वाले पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। ऐसे ही ये वाले डिब में जो पी है वो इवन नंबर पे है, एच टू इज फर्स्ट चाइल्ड, पी इज सेकेंड चाइल्ड, दिस इज थर्ड चाइल्ड एंड दिस इज फोर्थ चाइल्ड। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, अगर मैं इसको अब इवन कर देती हूँ, चलो, तो क्या होगा हमारे पास, इवन हमने किया, कंट्रोल एस किया, तो ये देखिए ये था सेकेंड नंबर का एलिमेंट, तो ये हमारा कलर चेंज हो गया, ये था फोर्थ नंबर का एलिमेंट, अब ये फिफ्थ नंबर का ऑड नंबर का बन चुका है एलिमेंट किसी भी कंटेनर का, तो इसीलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। ऐसे ही जब हम सेकंड डिव में जाते हैं, तो ये सेकंड नंबर पे था और ये वाला पैराग्राफ फोर्थ नंबर पे था, तो इसलिए इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर चाइल्ड का केवल कलर चेंज करना चाहते हैं, कि अगर पैराग्राफ किसी भी एलिमेंट में आता है हमारे पास फोर्थ नंबर पे, तो उसका कलर चेंज हो जाए। तो देखो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ये वाले पैराग्राफ का कलर चेंज होना चाहिए। कंट्रोल एस मैंने किया, तो देखिए इस वाले पैराग्राफ का हमारे पास कलर चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी nth चाइल्ड पर भी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्लास होती है लास्ट चाइल्ड। जैसे फर्स्ट चाइल्ड था, लास्ट चाइल्ड भी होना ही ज़रूरी था, तो इनको ज़रा हम बना देते हैं पहले कॉमेंट, और लास्ट चाइल्ड पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। अगर किसी भी कंटेनर में पैराग्राफ इज़ द लास्ट चाइल्ड,
द लास्ट चाइल्ड, तो उस केस में क्या हो जाए, कलर हमारे पास जो फॉन्ट कलर है वो हो जाना चाहिए हमारे पास मैजेंटा कर लेते हैं। तो देखो भाई, इस वाले कंटेनर में पैराग्राफ इज़ नॉट द लास्ट चाइल्ड, तो इसको मैं अभी हटा देती हूँ यहाँ से, और इस वाले पैराग्राफ में दिस इज़ द लास्ट चाइल्ड। तो देखते हैं दोनों के ही कलर्स चेंज होने चाहिए। तो देखिए ये जो लास्ट, इसका कलर चेंज हो गया है, और ऐसे ही ये वाले कंटेनर में इस वाले पैराग्राफ का कलर चेंज हो गया है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट चाइल्ड के साथ ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके दिखाई थी, उसी तरीके से आप ये लास्ट चाइल्ड में, nth चाइल्ड में भी अप्लाई कर सकते हो सेम तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आप स्यूडो क्लासेस का यूज़ करते हैं, एंड उनके अंदर हमने पढ़ा फर्स्ट चाइल्ड क्लास, लास्ट चाइल्ड क्लास एंड nth चाइल्ड क्लास। ठीक है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी कॉमेंट सेक्शन में, पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी क्वेरीज का आंसर कर सकूँ। एंड आई होप कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी, इंटरेस्टिंग लग रही होगी। जैसा भी आपको फील हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है तो मे बी आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। तो अब हम लोग मिलते हैं न्यू वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए टाटा।